जी अजय, जिस तरीके से आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जब 8:50 पर कपाट खुला है इस मंदिर का, तो सबसे पहले यहाँ पर दर्शनार्थी के रूप में बाबा के दरबार में पहुंचे हैं, और यहाँ पर पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री आज रुद्राभिषेक करेंगे। रुद्राभिषेक वो पंचामृत से करेंगे। पंचामृत से जो रुद्राभिषेक होना है उसमें पंचगव्य होता है, पंचामृत होता है, गंगा जल होता है। यहाँ मंदाकिनी का जो मंदाकिनी नदी जो है उसका जल, और साथ ही साथ अन्य तीर्थों से आए हुए जल, और साथ ही साथ शहद, घृत और शक्कर, इन सभी 5 चीज़ों का जो है इसको वो करते हैं करेंगे। प्रधानमंत्री का यहाँ पर अभी जो मुख्य रावल हैं उन्होंने उनका वो किया है, स्वागत किया है। ये वागीश यहाँ के मुख्य रावल हैं। मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि इस मंदिर की विशेषता यह है कि कर्नाटक के जंगम ब्राह्मण जो हैं वो यहाँ के मुख्य पुजारी होते हैं, जिनको रावल कहा जाता है, और वो यहाँ पर पूजा कराते हैं। आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था, और ये पूरे भारत को एक सूत्र में पिरोने की उनकी ये कोशिश थी। कर्नाटक और दक्षिण भारत के ब्राह्मण यहाँ के मंदिरों में पूजा कराते हैं, उत्तराखंड के ब्राह्मण पशुपतिनाथ में पूजा कराते हैं, तो कहीं ना कहीं ये पूरे समूचे भारत और नेपाल और अन्य क्षेत्रों में जहाँ पर सनातन संस्कृति के चिन्ह हैं वहाँ पर एक सूत्र में पिरोने का एक विशेष काम करता है। प्रधानमंत्री इस समय मंदिर के जो ये आप दृश्य देख रहे हैं, प्रधानमंत्री गर्भगृह में गए हैं। यहाँ पर एक विशालकाय नंदी की मूर्ति भी है, और मंदिर के अंदर का जो मुख्य द्वार से सटा हुआ द्वार है वहाँ पर जो है वहाँ पे पांडवों की मूर्तियाँ हैं, 5 पांडवों की मूर्तियाँ द्रौपदी के साथ। ऐसा कहा जाता है कि पांडवों के पूर्वजों ने इस मंदिर का निर्माण कराया था, और यहाँ पर जब पांडवों ने अपनी उस स्थिति को वो करने के लिए, जब पूरा का पूरा महाभारत खत्म हुआ, तो भगवान शिव को वो भगवान शिव से उन्होंने आराधना की कि उनके पापों को हरण करने के लिए वो दर्शन दे, तो यहीं पर भगवान लुप्त होते होते उन्होंने उनको दर्शन दिया। और यहाँ पर वो जो महिष का जो पीठ स्वरूप होता है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उसका आज आराधना करेंगे। 12 ज्योतिर्लिंग जो हैं, उन 12 ज्योतिर्लिंगों में से ये एक है। केदारनाथ के धाम में जो है जो महिष का जो शिवलिंग है वो प्राकृतिक शिवलिंग है, और प्राकृतिक शिवलिंग पर ही की यहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय गर्भगृह में पहुँच चुके हैं। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि ये स्वयंभू शिवलिंग अति प्राचीन है, इसकी प्राचीनता का कोई भी ऐतिहासिकता नहीं है, बेहद अनेक किंवदंतियाँ हैं। प्रधानमंत्री इस समय गर्भगृह में मौजूद है, और मुख्य पुजारी जो है यहाँ के जो मुख्य धर्माधिकारी है वो यहाँ पर रुद्राभिषेक की प्रक्रिया जो है शुरू कर रहे हैं। ये कहा जाता है कि जलम शिवम प्रियम, सबसे ज़्यादा जो है वो शिव को जल प्रिय होता है। प्रधानमंत्री यहाँ पंचामृत से रुद्राभिषेक करेंगे, और रुद्राभिषेक जो है वो शिव की आराधना का एक विशेष अनुष्ठान होता है, जिसमें जो है ये करते हैं अलग अलग चीज़ों को मिलाकर जिसमें। और यहाँ की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा जो पूजन पद्धति है यहाँ की, उसमें घृत का लेपन इस शिवलिंग पर विशेष तरीके से किया जाता है। घृत का लेपन इसलिए किया जाता है कि यहाँ पर जो परंपरा है उसके हिसाब से घृत का लेपन किया जाता है। स्वयंभू मंदिर जैसा मैं बता रहा हूँ बेहद प्राचीन है, और यहाँ का जो ज्योतिर्लिंग है उसकी ऐतिहासिकता के बारे में अलग अलग बातें हैं अजय। तो प्रधानमंत्री जो कि खुद उनकी उनकी साधना का भी स्थल ये क्षेत्र कहीं ना कहीं रहा है, जैसा कि यहाँ के मुख्य पुजारी और अन्य लोग बताते हैं। प्रधानमंत्री का विशेष अनुराग भी रहा है। प्रधानमंत्री जैसे कि यहाँ पर इससे पहले भी एक संघ प्रचारक के रूप में यहाँ के लोग बताते हैं, यहाँ के मुख्य धर्माधिकारियों से जब हमने बातचीत की तो वो काफ़ी एक समय भी उन्होंने गुजारा था, लंबा वक्त यहाँ पर गुजारा था, तो विशेष अनुराग है। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री आज एक राष्ट्र के प्रधानमंत्री के रूप में जब यहाँ पर पहले रुद्राभिषेक करेंगे तो कर रहे हैं, तो निश्चित तौर से ये संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए, संपूर्ण राष्ट्रीयता के कल्याण के लिए, संपूर्ण भारतवर्ष के कल्याण के लिए, और जगतगुरु शंकराचार्य की इस समाधि स्थल से सटे हुए ज्योतिर्लिंग में भारत को एक पुनः जगतगुरु की प्रतिष्ठापना की स्थिति पर पुनर्स्थापित करने की कोशिश के रूप में ये प्रयास देखा जा सकता है। क्योंकि प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि वो देश के सेवक हैं, और देश के प्रधानमंत्री होने के नाते सर्व कल्याण की भावना से सर्वे भवंतु सुखना सर्वे संतु निरामया की भावना से, सर्व कल्याण की भावना से वो यहाँ पर आज पहुँचे हैं, और देश के प्रतिनिधित्व के रूप में, देश के प्रतिनिधि के रूप में वो यहाँ पर आकर भगवान शिव के दरबार में पहुँचे हैं और रुद्राभिषेक कर रहे हैं।
अगर देखें तो यहाँ पे एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि अलग अलग पद्धतियां हैं। जी हाँ अजय, निश्चित तौर से हम ये बताना चाहेंगे कि जब ये आपदा आई तो एक दैवीय और चमत्कारिक स्थिति ये रही कि मंदिर के ठीक पीछे, उसे अब भीमशिला के नाम से भी कहा जाता है, वहाँ पर एक बड़ी चट्टान आकर मंदिर की ठीक पूरी लंबाई के बराबर वो टिक गई और पूरा का पूरा मंदिर, जो जलधारा थी उसको उसने जो है डाइवर्ट कर दिया, वहां से जलधारा वहां से विमुख हो गई और मंदिर पूरी तरह से लगभग लगभग सुरक्षित रहा। आंशिक तौर से मंदिर का जो अग्रभाग है उसको जो है क्षति पहुंची थी, लेकिन मंदिर का गर्भगृह, मंदिर का जो संपूर्ण क्षेत्र है वो पूरी तरह से बचा रहा। इतनी भीषण आपदा आने के बाद भी, और लोग ये मानते हैं कि ये कहीं ना कहीं दैवीय चमत्कार था, और ये दैवीय चमत्कार का ही की परिणति है कि इतनी विशाल प्राकृतिक आपदा आ जाने के बावजूद भी मंदिर का बाल बाका भी नहीं और मंदिर उसी पुनः स्थिति में बना हुआ है। वो शिला अभी भी है, शिला उसी स्थान पर है, और शिला की आप देखेंगे तो वो जब पूरी आपदा में शिला एक बेहद वेग से आई होगी और उसको ठीक मंदिर के पहले ही किसी अन्य शिला से रुक जाना, इसको लोग निश्चित तौर से दैवीय चमत्कार के रूप में मान के चलते हैं और मंदिर के सुरक्षित होने की एक प्रमुख वजह मानते हैं, क्योंकि जो जलधारा थी उसको यहाँ से डाइवर्ट हो जाने के लिए उतने में पर्याप्त था। तो अग्रभाग जो हुआ था क्षतिग्रस्त, वो कहीं ना कहीं एकदम पूरी तरह से उसको सुसज्जित कर दिया गया है और अमरनाथ यात्रा आज से कपाट खुलने के बाद अनवरत शुरू होगी। पूरे गौरीकुंड से लेकर अलग अलग स्थानों पर सभी तरह की सुविधाएं दी गई हैं, सभी तरह के छोटे मोटे अस्पतालों की स्थापना की गई है और अन्य सभी सुविधाएं ऐसी दी गई हैं जिससे तीर्थयात्रियों को किसी तरीके की भी कोई भी असुविधा न हो। इस समय जैसे मैं अजय बता रहा था कि यहाँ की जो मंदिर परंपरा है जी बताएं। अजय, आपदा के बाद जो पुराना मार्ग था वो तो लगभग टूट गया, लेकिन बड़ी तेजी से नए मार्ग को स्थापित किया गया और उस नए मार्ग पर कमोबेश वो सारी सुख सुविधाएं, वो सुविधाएं आमूलचूल आधारभूत सुविधाएं हैं जो तीर्थयात्रियों के लिए आती हैं। जगह जगह पर ये तकरीबन 16 किलोमीटर का जो मार्ग है उसमें जो है छोटे मोटे अस्पतालों की स्थापना की गई है, डिस्पेंसरीज की स्थापना की गई है। हम आते हुए हमने देखा कि वहाँ पर पेयजल की व्यवस्था है, चिकित्सा की व्यवस्था है, फर्स्ट एड की व्यवस्था, और साथ ही साथ छोटे छोटे शिविर भी लगाए गए हैं जहाँ पर लोग विश्राम कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ ये है कि इस नए मार्ग में कई जगहों पर अभी भी बर्फ बनी हुई है, जमी हुई है, लेकिन उस बर्फ को हटाने का काम भी बड़ी तेजी से चल रहा है और वो जैसे जैसे यात्रा गति में आएगी और जैसे जैसे यहाँ के मौसम में भी सुधार होगा उस निर्विघ्न तरीके से संपन्न कराने की पूरी कोशिश की जाएगी। यात्रा पूरी तरह से निर्विघ्न कराने के लिए प्रशासनिक स्तर पर समस्त इंतजाम किए गए हैं और सभी, आप ये मान के चलिए कि जिस तरीके से आपदा आई थी उस तरीके से, जिस तरीके से तेजी से पुनर्निर्माण इस पूरे क्षेत्र में हुआ है, बहुत सारी मूलभूत सुविधाएं अभी नहीं है, जैसे बैंकिंग की सुविधाएं, अन्य चीज़ें अभी तक यहाँ पर नहीं पहुँच पाई हैं। गौरीकुंड से लेकर केदारनाथ धाम तक भी अभी आप पाएंगे तो कोई एक ATM भी नहीं है, लेकिन सोनकुंड तक ये सब सारी सुविधाएं हैं जहाँ पर जहाँ से लोगों के आने का जो है मार्ग सुनिश्चित होता है। लेकिन इतनी बड़ी आपदा के बाद सारी चीज़ों को पुनर्स्थापित कर पाना भी एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन अभी भी यहाँ पर ऐसी व्यवस्था है कि निर्विघ्न तरीके से बगैर किसी असुविधा के लोग आ सकते हैं। और ये एक चीज़ मैं और कहूँगा कि जब कपाट खुलते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँचे हैं यहाँ पर रुद्राभिषेक करने के लिए, दर्शन करने के लिए, तो ये कहीं ना कहीं इस यात्रा को एक मोमेंटम भी देगा। मोमेंटम इसलिए देगा क्योंकि जब कोई विशिष्ट व्यक्ति पहुँचता है तो वो लोगों के बेहद आकर्षण का केंद्र और आस्था का केंद्र और आध्यात्मिक केंद्र तो केदारनाथ धाम है ही, लेकिन जब खुद प्रधानमंत्री भी वहाँ पर पहुँचते हैं तो पूरा का पूरा मशीनरी जो भी होता है नीचे से ऊपर तक वो पूरी तरह से मोबिलाइज भी हो जाता है और यात्रा की शुरुआत के समय ही आप ये समझिए कि वो सारी सुविधाएं, मैं किसी तरीके की कोई अलग टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो सुविधाएं जो एक दो दिन में होती वो पूरी की पूरी मुकम्मल हो चुकी हैं।
अजय देखिए, हाँ अजय हम बता देते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय गर्भगृह में ही है और रुद्राभिषेक वो कर रहे हैं। रुद्राभिषेक की प्रक्रिया पूरी तरह से चालू है। और जो हम एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि रुद्र के जो अलग अलग अवतार हैं उसमें रुद्र की स्थिति जो है वो सबसे देवों में महादेव की स्थिति कही जाती है। सभी देवताओं को देवता कहा जाता है, देव कहा जाता है, लेकिन इनको महादेव कहा जाता है, देवाधिपति कहा जाता है। इनके मंत्रों को भी महामंत्र कहा जाता है, इनके मंत्र को भी महामृत्युंजय मंत्र कहा जाता है। इन तो वैसे ही अगर अमरनाथ यात्रा की दर्शन को भी आप कहें तो एक महाअभियान के सलीके से आप ले सकते हैं, क्योंकि बेहद दुर्गम है, बहुत दुष्कर है, लेकिन ये लोगों की अपनी आस्था और भक्ति की और अपनी उनकी संकल्प शक्ति की परीक्षा भी लेता है। लेकिन निश्चित तौर से जैसे जैसे आप कदम दर कदम, किलोमीटर दर किलोमीटर आप धाम की तरफ बढ़ते हैं और चुनौतियों पर आप विजय पाते जाते हैं, तो आपके आत्मविश्वास में ऐसे बढ़ता है, वो आत्मविश्वास जी जी अजय, सबको सबसे पहले एक बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है जिससे उनकी पहचान निश्चित हो जाती है और सभी तरीके की सुविधाएं और आगे की सुविधाओं का निर्धारण उसी आधार पर होता है। और जिस तरह से कि चार धाम यात्रा की आप बात कर रहे हैं, यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये पूरी यात्रा है। ये एक तरीके से आप समझें तो पूरे उत्तराखंड के अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। सबसे पहले यमुनोत्री से यात्रा शुरू की जाती है, गंगोत्री सब आते हैं, उसके बाद केदारनाथ आते हैं और बद्रीनाथ का दर्शन का तब तक सफल नहीं माना जाता है जब तक केदारनाथ के दर्शन नहीं किए जाते हैं। और ये कहीं ना कहीं वैष्णव परंपरा और शैव परंपरा, जो कि आदिकाल में कहीं ना कहीं एक परस्पर प्रतिद्वंद्वी परंपरा हुआ करती थी, उनके समन्वय की कोशिश है। और साथ ही साथ शंकराचार्य का, जिनका मैं जिक्र कर रहा था, जिन्होंने चारों धामों की स्थापना की, देश के चारों स्थानों पर चारों महातीर्थों की स्थापना की और देश को एक सूत्र में स्थापित किया, वो कहीं ना कहीं एक ऐसा अद्वितीय और युगांतकारी क्षण था जब सनातन धर्म की एक बार फिर से पुनर्स्थापना हुई। क्योंकि उसके पहले बौद्ध परंपरा और जैन परंपरा और अन्य परंपराएँ जो हैं भारतीय संस्कृति पर और इस सनातन संस्कृति पर हावी होती जा रही थी, तो भारतीय पुनर्स्थापना के रूप में भारतीयता को सनातन संस्कृति को एक सूत्र में पिरोने के रूप में चारों धामों को एक साथ रोक, केदारनाथ से अगर देखें तो रामेश्वरम तक, सोमनाथ से अगर देखें तो बैजनाथ धाम और सुदूर पूर्व तक अलग अलग जगहों पर सभी धामों की स्थापना करके भारत को एकता के सूत्र में तो पिरोया ही गया, साथ ही साथ वो परंपरा और जो अलग हमारी विविध सांस्कृतिक विरासत है उनका भी सम्मिश्रण कहीं ना कहीं किया गया। दक्षिण के ब्राह्मण अगर आकर उत्तर भारत में केदारनाथ में पूजा करते हैं और यहाँ के ब्राह्मण अगर नेपाल में पूजा करते हैं, यहाँ के ब्राह्मण उत्तराखंड के ब्राह्मण अगर दक्षिण भारत के मंदिरों में जाके पूजा कर सकते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी समन्वयकारी सोच थी और कितना बड़ा ये सांस्कृतिक समन्वय का प्रयास था और एक समुच्चय का प्रयास था कि जिससे सांस्कृतिक सनातन संस्कृति का जो प्रादुर्भाव है उसकी पुनर्स्थापना दोबारा की जा सके और जो कि बखूबी हुई और बखूबी हर तरीके से हो भी रही है। चारधाम यात्रा की अगर बात करें तो मैं ये कह रहा था कि पूरे उत्तराखंड के लिए पर्वतीय क्षेत्र है तो अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और इस क्षेत्र के लोगों के लिए सामाजिक, धार्मिक, पौराणिक, आध्यात्मिक
उन्नयन के साथ ही साथ ये आर्थिक दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण है, जो कि इन लोगों की इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को निर्धारित करती है। मौजूदा सरकार ने चारधाम यात्रा के लिए एक बड़ा पैकेज दे के चारधाम यात्रा के लिए ऑल वेदर रोड की भी स्थापना करने की शुरुआत कर दी है और वो शुरुआत हो भी गई है, और इन धामों को जुड़ने से और ऑल वेदर रोड यहाँ पर स्थापित होने से यात्रा तो बढ़ेगी, साथ ही साथ यहाँ की अर्थव्यवस्था और यहाँ के पर्यटन और अन्य सुविधाओं को भी वो होगी, विस्तार होगा। इस समय प्रधानमंत्री का अलंकरण किया जा रहा है, जो मुख्य पुजारी है, जो मुख्य धर्माधिकारी है, वो उनका अलंकरण कर रहे हैं यहाँ पर शाल के उनको भेंट करके, और उस समय प्रधानमंत्री का वहाँ पर अभिवादन किया जा रहा है। जी अजय, तकरीबन कल गौरीकुंड से चलने वाले यात्रियों की संख्या लगभग 2000 के आसपास थी। आज कपाट 8:50 पर खुला है, लोगों की लालसा ये होती है कपाट खुलते ही भगवान केदारनाथ जी का दर्शन करें, और ये यात्रा अब धीरे धीरे शुरू होगी और पूरी की पूरी यात्रा जो है आने वाले दिनों में और ज़्यादा गति पकड़ेगी और ज़्यादा इसमें त्वरण दिखेगा और ज़्यादा इसमें मोमेंटम दिखेगा। अभी प्रधानमंत्री की इस यात्रा, प्रधानमंत्री के इस दर्शन कार्यक्रम के बाद जनसामान्य की यात्रा शुरू होगी, और साथ ही साथ यहाँ पर जो पूरे का पूरा एक छोटा सा टाउन है, नगर पंचायत इसको कह सकते हैं, केदारनाथ धाम वास्तव में एक नगर पंचायत है और लगभग 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर के विस्तार में ये घाटी है, तीन तरफ से ये पहाड़ों से घिरा हुआ है। सारी सुख सुविधाएं यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं की गई हैं, अस्थाई टेंट की व्यवस्था की गई है और स्थानीय प्रशासन इस यात्रा को निर्विघ्न संपन्न करने के लिए कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। जैसा आप दृश्यों में देख पा रहे होंगे, अजय, प्रधानमंत्री का अलंकरण किया गया, अभिवादन किया गया वहाँ के मुख्य पुजारी जो है, जो मुख्य धर्माधिकारी हैं उनके द्वारा, और शाल भेंट करके, और इस जो रुद्राभिषेक की जो पूजा अर्चना की जो प्रक्रिया है, इस समय उनका जो भस्म है, अभी हम लोग मंदिर के अंदर गए थे तो एक विशेष भस्म का लेपन किया जाता है जो यहाँ के मुख्य रावल हैं उनके द्वारा, और ये अलंकरण के लिए और सम्मान के स्वरूप में उन्हें शाल दिया गया, और अभी इस समय चंदन और यहाँ के भस्म का जो है उनके माथे पर लगाया जा रहा है, उनके ललाट पर लगाया जा रहा है, और कुछ अन्य जो रुद्राक्ष की मालाएं हैं और अन्य चीज़ें हैं जो प्रसाद स्वरूप यहाँ पर दी जाती हैं विशिष्ट अतिथियों को, वो इस समय मंदिर प्रशासन द्वारा दिया जा रहा है। तो निश्चित तौर से आप ये समझ सकते हैं कि एक कपाट खुलते ही देश के प्रधानमंत्री का यहाँ पर आना एक पूरे देश के लिए एक बड़ा संदेश है कि यहाँ पर केदारनाथ धाम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे, और जिस तरीके से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सोमनाथ से लेकर सुदूर पूर्व तक और केदार धाम से लेकर रामेश्वरम तक संपूर्ण भारत को जो है एक सूत्र में पिरोने का काम किया गया है, और सभी धर्मों के सामंजस्य की भी अगर देखें तो कहीं ना कहीं एक झलक उसमें दिखती है, हमारी जो बहुविध संस्कृति है उसको देखते हुए, तो उसमें इस सनातन संस्कृति के प्रमुख तीर्थों में जो कि ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग केदारनाथ धाम है, यहाँ भी पहुँचना लोगों की एक अभिलाषा होती है, अपने जीवन काल की अभिलाषा होती है। तो निश्चित तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहाँ आज पहुँचने से ही, कपाट खुलने के ठीक तुरंत बाद पहुँचने से ही इस यात्रा को गति देगा। इस समय प्रधानमंत्री गर्भगृह में ही भगवान केदारनाथ के सामने नतमस्तक हैं, और कहीं ना कहीं विश्व बंधुत्व के लिए और सर्वजन कल्याण के लिए, सर्वजन हिताय के लिए, और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, इन भावनाओं को आत्मसात करते हुए विश्व बंधुत्व और अब विश्व कल्याण के लिए, मानवता के कल्याण की भावनाओं को निश्चित तौर से एक राष्ट्र के जनप्रतिनिधि के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में इस समय यहाँ पर पहुँचे हैं और भगवान श्री केदारनाथ के धाम में अपने पूजा अर्चना कर रहे हैं, और राष्ट्र को एक कहीं ना कहीं अगर प्रधानमंत्री का अगर अजय देखें तो संबोधनों में एक बात दिखती है, वो कहते हैं कि जगत गुरु की वो स्थिति जो है भारत की पुनर्स्थापित करने की कोशिश की जानी चाहिए, जिसके लिए वो प्रयासरत भी हैं। तो जगत गुरु की वो स्थिति थी जब भारत के मेधा का, जब भारत के विज्ञान का, जब भारत की ज्योतिष का, जब भारत के वैज्ञानिक क्षेत्रों का, भारत शोधों का स्वर्ण काल था। तो कहीं ना कहीं जी जाता है कि भगवान शिव आप निर्णय में प्रकट हो जाते हैं, और उसके बाद में जब आप संसारों
अजय इस समय प्रधानमंत्री प्रदक्षिणा के लिए जा रहे हैं। अंदर का मंदिर, मंदिर का देखिए ना, इसको चेक कर लीजिए। वो सुनाई दे रहा है, क्यों परेशान हो रहा है? सही है ना, तो वही बोलिए ना, मैं जा रहा हूँ, बोलिए, नहीं हो सकता इसमें तो। अंदर मंदिर का मिल रहा था, मंदिर का ठीक है, ले जा रहा हूँ सर, ऑन है सब कुछ। दे दिया, डाल दिया मैंने वहीं पे, डाल दिया अंदर ही, डाल दिया। नहीं कोई बात नहीं, आप हटे वहीं, जो दान पर सुनवाई खड़ी थी, अंदर मंत्र का इसी से पूरा मिला। अच्छे से मैं लेकर अंदर ही खड़ा हो गया, बहुत अच्छा हुआ, पूरा मंत्र मैं सुन रहा था, अच्छा मंत्र का लेके अंदर खड़ा था ना माइक। अजय जनमानस की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री के यहाँ आने से बेहद जो लोग हैं वो बेहद खुश हैं। लोगों को ये लगता है कि देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जो सनातन हिंदू संस्कृति के जितने प्रतीक हैं वहाँ पर जाने में कोई हिचक नहीं करते हैं। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान शिव के जो है वो अनन्य भक्त भी हैं। यहाँ के लोगों की और यहाँ के जो मुख्य धर्माधिकारी और पुजारी हैं उनकी अगर बात माने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर मुख्यमंत्री होने के पूर्व के समय में काफ़ी एक लंबा वक्त जो है यहाँ से 2 किलोमीटर दूरी पर गौरी चट्टी का स्थान है, वहाँ पर उन्होंने काफ़ी लंबा वक्त भी गुजारा था। तो इस समय आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री को अलग अलग स्मृति चिन्ह दिए जा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री का एक विशेष अनुराग, क्योंकि काशी विश्वनाथ से प्रतिनिधि होना और केदारनाथ में आके पूजन करना और सोमनाथ के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करना और सभी ज्योतिर्लिंगों का पशुपतिनाथ से लेकर रामेश्वरम तक एक सूत्र में सब जगह पर पिरोने का काम करना और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय और सबका साथ सबका विकास का जो मूल मंत्र वो देते हैं, तो कहीं ना कहीं वो भारतीय सनातन संस्कृति की वो मूल मंत्र का ही वो उन्हीं मूल मंत्रों का निचोड़ है, जिसमें विश्व बंधुत्व की बात कही जाती है, जिसमें सर्व कल्याण की बात कही जाती है और जिसमें ये कहा जाता है कि सबके भले के साथ हमारा भी भला हो, क्योंकि अकेली हिंदू संस्कृति ऐसी है, सनातन संस्कृति ऐसी है जो सबके कल्याण के साथ साथ अपने कल्याण की बात कहती है। तो इस समय प्रधानमंत्री खुद मंदिर के सामने जो है अन्य लोगों से अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं जो वहाँ पर लोग मौजूद हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, धर्मार्थ कार्य मंत्री, पर्यटन मंत्री सतपाल जी महाराज, राज्यपाल उत्तराखंड और साथ ही साथ अन्य कई गणमान्य व्यक्ति भी इस समय प्रधानमंत्री के साथ हैं वहाँ पर, और मुख्य जो धर्माधिकारी पुजारी और मुख्य वहाँ के जो वागीश जो हैं, जो रावल हैं, जो पुजारी हैं, तो जो जो जंगम ब्राह्मण होते हैं, कर्नाटक मैसूर के होते हैं, तो वो सब इस समय वहाँ पर मौजूद हैं। और कहीं ना कहीं अन्य मीडिया के लिए एक फोटोग्राफी और फोटो आप की अपॉर्चुनिटी है, लोग वहाँ पर उपस्थित हैं। तो निश्चित तौर से आज ही कपाट खुलने के बाद प्रधानमंत्री के यहाँ पर पहुँचना और रुद्राभिषेक करना और यहाँ के लोगों से को एक संदेश देना और संपूर्ण देश को एक संदेश देना कि कितनी भी दुष्कर और दुसाध्य परिस्थितियों में जो है उनको सरल करने के लिए सरकार प्रयासरत है। चार धाम यात्रा के तहत चारों धाम को एक साथ जोड़ने के लिए प्रयासरत है और जो कठिनाई कभी एक वक्त में हुआ करती थी इन धामों पर पहुंचने के लिए सभी सहूलियतें फराहम करके उपस्थित कराकर एक सहज सुविधाजनक स्थितियां होंगी केदारनाथ धाम से लेकर अन्य धाम तक। इस समय अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पर उपस्थित जन समुदाय से जो श्रद्धालु पहुँचे हैं भगवान श्री केदारनाथ के दर्शन के लिए। जी एक मिनट,
अजय, निश्चित तौर से जो प्रयास किया जा रहा है मौजूदा सरकार, केंद्र सरकार के द्वारा चार धाम यात्रा को बारहमासी ऑल वेदर रोड से जोड़ने के लिए, तो वो एक जब उसकी परिणति होगी, जब वो संपन्न हो जाएगा, जब वो बनेगा, आंशिक रूप से उसके कार्य शुरू हुए हैं, लेकिन एक पर्वतीय क्षेत्र है, भौगोलिक चुनौतियाँ हैं, साथ ही साथ अन्य जो चुनौतियाँ हैं, पर्यावरणीय स्थितियाँ हैं, उनके अनुकूल एक लंबा वक्त लग सकता है इनको जोड़ने में और ये सुविधाजनक स्थिति से चार धाम यात्रा को ऑल वेदर रोड से जोड़ने में। लेकिन अभी अगर केदारनाथ धाम की यात्रा की बात करें तो ये अन्य धाम की यात्रा से और ज़्यादा दुष्कर, दुसाध्य और साथ ही साथ चुनौतीपूर्ण है। लेकिन जो अभी भी स्थानीय प्रशासन और राज्य सरकार द्वारा यहाँ पर स्थितियाँ और सुविधाएं दी गई हैं वो कहीं ना कहीं पर्याप्त हैं लोगों के लिए, और लोग उन सुविधाओं से संतुष्ट भी दिखते हैं, लेकिन सुविधाओं को ज़्यादा से ज़्यादा किया जाना अपेक्षित होता है और उन उस अपेक्षा पे राज्य सरकार को अभी और ज़्यादा काम किए जाने की ज़रूरत है। इस समय प्रधानमंत्री अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, तकरीबन यहाँ पर 5,000 के आसपास कल इकट्ठा हुए थे अमरनाथ यात्री, यहाँ पर माफ़ करिएगा, केदारनाथ धाम के यात्री यात्रा करने के लिए। और इस समय प्रधानमंत्री सारे भक्तों का, सारे श्रद्धालुओं का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। जी जी केदारनाथ धाम में तो अस्थाई टेंट बनाए गए हैं, कुछ परमानेंट स्ट्रक्चर्स भी हैं, उनका जीर्णोद्धार भी किया गया है क्योंकि आपदा के बाद कुछ क्षतिग्रस्त भी हो गए थे। और अस्थाई टेंट अगर आप देखेंगे तो यहाँ से लेकर तकरीबन 4-5 किलोमीटर नीचे तक अलग अलग स्थानों पर, जहाँ पर पहाड़ों को थोड़ा समतल करके एक समतल स्थान दिया जा सकता है, वहाँ पर अस्थाई टेंट बनाए गए हैं। लेकिन अस्थाई टेंट अगर आप समझ रहे हैं तो इस तरीके से, इस यहाँ पर भीषण सर्दी होती है, अभी भी यहाँ पर तापमान बेहद कम है, तो ऐसी स्थितियों में एक बड़ा स्थायी निर्माण कार्य किया जाना अपेक्षित महसूस होता है। लेकिन जो भौगोलिक चुनौतियाँ और पर्यावरणीय चुनौतियाँ और साथ ही साथ 6 महीने के लिए जब कपाट बंद हो जाता है। जी जी अजय, अगर देखें तो ये हिमालय की गोद का सीधा सीधा आप दृश्य देख रहे हैं। ऊपर जो है वो हिमाद्रि तुंग श्रृंग जिसको कहा जाता है, वो है हिमालय की तुंग श्रृंग हैं, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, चोटियां हैं। और एक बार मैं यहाँ पर लोभ संवरण नहीं कर पा रहा हूँ कि जो कवियों ने व्याख्यायित किया है कि हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमर्त वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, सुपंथ हो जयी बनो बढ़े चलो बढ़े चलो। तो अगर सुपंथ होकर जयी बनने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति लेकर किसी भी पथ पर आदमी बढ़ता है, चाहे वो पर्वतीय क्षेत्र पर हो, चाहे वो समतल क्षेत्र हो, चाहे वो अभियान हो, चाहे वो महाअभियान हो, चाहे वो क्षेत्रीय स्थितियां हो, या वो चाहे आत्मिक आंतरिक आध्यात्मिक उन्नति की कोशिश हो, तो उसमें नहीं, उसमें ये सर्वोच्च स्थान है केदारनाथ घाटी। और केदारनाथ घाटी के बारे में मैं बताऊं, ये विभूतियों का स्थल रहा है, भगवान आदि गुरु शंकराचार्य तो यहाँ रहे ही हैं, साथ ही साथ ऋषियों मुनियों देवताओं की ये तपस्थली रहा है, महान विभूतियों ने यहाँ पर आध्यात्मिक शक्तियाँ अर्जित की है। और निश्चित तौर से मैं ये कहूँगा, अगर इन दृश्यों को भी अगर आप देखें तो चारों तरफ से 3 पर्वत श्रृंखलाएं और उनमें ये केदार घाटी निश्चित तौर से एक ऐसी ऊर्जा, आध्यात्मिक ऊर्जा की अनुभूति कराता है व्यक्तियों को, कि खुद ही व्यक्ति सभी
आध्यात्मिक आदिदैविक आदिभौतिक दुखों से कहीं ना कहीं दूर होकर अपनी आध्यात्मिक उन्नति करने की कोशिश में अगर वो लगता है तो उसको यहाँ पर विशिष्ट शांति मिलती है। निश्चित तौर से बेहद ही अनौपचारिक शैली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और ये अनौपचारिक शैली उन्हें विशिष्ट बनाती है और ये विलक्षण बनाती है। लोग जनसामान्य जब प्रधानमंत्री अपने हिसाब से अपने खुद मुंह से ये कहते हैं जनसेवक, तो जनता इस तरीके की जब जनता की अनुभूति होती है, जनता को जब प्रधानमंत्री का इस तरीके से साक्षात्कार होता है, जनता जब उनको कहीं औपचारिकताओं से बधी हुई नहीं पाती है, अनौपचारिक तरीके से अपने बीच में पाती है और वो जो संवाद कायम होता है तो वो प्रधानमंत्री की अपनी विलक्षण संवाद स्थापित करने की क्षमता तो है ही, साथ ही साथ वो जनता को भी ऊर्जस्वित करती है और जनता ये मान के चलती है कि प्रधानमंत्री अगर ये कहते हैं कि वो जनता के बीच के एक जनसामान्य से उभरे हुए जनसामान्य व्यक्तियों की तरह से एक असामान्य उपलब्धि धारण करते हुए अगर प्रधानमंत्री के पद पर पहुंचे हैं तो उनका काम जनता का सेवा करना ही है और वो जनता के हर दुख दर्द से वो उनके निराकरण के लिए उनके निवारण के लिए प्रयासरत हैं। तो जो ये बेलौस शैली है, जो अनौपचारिक शैली है, जो कि कहीं ना कहीं सुरक्षा चुनौतियाँ भी इनमें आती हैं, लेकिन इन सबको दरकिनार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसामान्य से जो ये संवाद कायम करते हैं, निश्चित तौर से वो प्रधानमंत्री के लिए एक सुखद अनुभूति तो होती है लेकिन जनता के लिए वो यादगार क्षण होता है, वो अविस्मरणीय क्षण होता है, वो ऐसा पल होता है कि जिसको लोग अपने जहन में अपने मस्तिष्क में अनंत काल के लिए उसको सजोए रखते हैं। और ये सेल्फी खींचते कि जो लोगों की अपनी परंपरा है उसको कहीं ना कहीं तस्वीरों में कैद करके चिरस्थायी बनाने की कोशिश करते हैं। ये मंदिर के ठीक सामने अजय मैं बताऊं कि नंदी की एक मूर्ति है, वहां से आए हैं प्रधानमंत्री और मंदिर के ठीक द्वार पर उन्होंने इस समय वो किया है अपना नतमस्तक हुए हैं और इस समय नंदी की मूर्ति की वो प्रदक्षिणा कर रहे हैं। और नंदी जो कि जिसको आप कहते हैं कि नंदीश्वर के रूप में भगवान शिव की भी जो है वो एक रुद्र अवतार उनका नंदीश्वर के रूप में भी रहा है, जो उनका वाहन है वो भी नंदी है। एक चीज़ और अजय मैं बताना चाहूँगा, शिव का जो परिवार है वो बताना यहाँ बेहद ज़रूरी होगा, शिव नंदी पर चलते हैं, पुत्र उनके जो हैं वो गणेश चूहे पर चलते हैं, माता पार्वती का वाहन जो है वो कहीं ना कहीं सिंह बताया जाता है, कार्तिकेय जो है वो मोर पे चलते हैं, भगवान शंकर अपने में गले में सांप को जो है वो धारण करते हैं, मोर सांप का जो संबंध है उसको आप समझ सकते हैं कि अजीब टाइप का है। शिव अपने में विरोधाभासों का समुच्चय है, शिव का परिवार अपने आप में विरोधाभासों का समुच्चय है, शिव का परिवार अपने आप में सत्यम शिवम सुंदरम का जो है वो प्रतीक है। साथ ही साथ जो अलग अलग जो विविध संस्कृतियां हैं, जो शिव के गण हैं, जो शिव के सेवक हैं, जो शिव की परंपरा के अलग अलग शैव मतावलंबी हैं, उनकी स्थितियों को अगर आप देखें तो ये एक ऐसे देव हैं, देवाधिदेव हैं, जिनके सामने अन्य देव भी नतमस्तक होते हैं। और
नहीं नहीं अजय, पांडवों की मूर्तियां ठीक एकदम, पांडवों की मूर्तियां मंदिर के गर्भगृह के ठीक सामने का जो निर्माण भवन है वहां पर है। इस समय प्रधानमंत्री मंदिर की ही प्रदक्षिणा कर रहे हैं। मंदिर जो है ये चौसर वो एक चौसर पत्थर पर बना हुआ है और काफी ऊंचा मंदिर है ये, और ये इस मंदिर की ऊंचाई अगर देखें तो 80 फुट के आसपास है और एक विशाल चौकोर चबूतरे पर खड़ा है। और ये मंदिर की प्रदक्षिणा इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और ये परंपरा है कि आराधना के बाद जो प्रदक्षिणा है वो कहीं ना कहीं संपूर्ण आराधना का और पूजा अर्चना को जो है संपूर्ण करने का प्रतीक होता है। तो भगवान ने भगवान शिव की रुद्राभिषेक करने के बाद, जनता का अभिवादन स्वीकार करने के बाद, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय मंदिर की प्रदक्षिणा कर रहे हैं और मंदिर की प्रदक्षिणा करते हुए कहीं ना कहीं ये जो पूरा का पूरा जो उनका दर्शन है, जो उनका जो पूजा का कार्यक्रम है वो कहीं ना कहीं संपन्न होगा। उनके साथ इस समय मुख्य जो यहाँ के वागीश जिनको मैं बता रहा हूँ कि दक्षिण भारतीय ये ब्राह्मण होते हैं, जंगम ब्राह्मण होते हैं, वो हैं मुख्य धर्माधिकारी हैं, साथ ही साथ प्रशासनिक अधिकारी हैं और अन्य देख रहे हैं कि आप जो जो यहाँ की वेशभूषा है, जो परंपरागत वेशभूषा है यहाँ के धार्मिक मतावलंबियों की, वो उसको धारण किए हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय मंदिर की प्रदक्षिणा कर रहे हैं। तो प्रदक्षिणा जो है सभी धामों का जो है आप ये समझे कि पुण्य एक साथ हासिल कर लेने की जो है वो कवायद होती है। सारा का सारा जो फल जो होता है वो प्रदक्षिणा से ही हासिल हो जाता है। ये भी बताना वो होगा कि जब सभी देवताओं की बात हुई तो सब देवताओं ने ये कहा गया कि सब पूरा ब्रह्मांड का चक्कर लगा के जब सबसे पहले अगर आए तो वही सबसे बड़ा देवता माना जाएगा। तो गणपति ने माता पिता की ही प्रदक्षिणा करके ही सबसे बड़े देवता के का स्वरूप धारण कर लिया था। तो आप ये समझिए कि प्रदक्षिणा जो मार्ग होता है वो प्रदक्षिणा कहीं ना कहीं मंदिर की प्रदक्षिणा सभी धामों की प्रदक्षिणा के रूप में माना जाता है। और वो प्रदक्षिणा मार्ग करने के बाद, वो प्रदक्षिणा करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय मंदिर परिसर से निकलने के लिए इस समय अग्रसर हो रहे हैं। और अब ये निश्चित तौर से आप ये समझें कि ये जो केदारनाथ धाम है और केदारनाथ की जो यात्रा है, आज कपाट खुलने के बाद से ही प्रधानमंत्री का यहाँ पर पहुँचना और यहाँ पर रुद्राभिषेक करना इस यात्रा को तो गति देगी ही, साथ ही साथ इस पूरे उत्तराखंड और पूरे सनातन संस्कृति के साथ साथ पूरे जो देश की जो राष्ट्र निर्माण की जो बात होती है, जो राष्ट्र की बहुविध संस्कृति के आत्मसात करने की बात होती है, जो संस्कृतियों के समन्वय की बात होती है, तो उसमें भी ये यात्रा कहीं ना कहीं एक मील का पत्थर मानी जाएगी और एक विशिष्ट स्थान इसका लिया जाएगा। सामान्य रूप से इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ उपस्थित राज्य के लोगों से, जो राज्य के मंत्री और अन्य पदाधिकारी हैं, उनसे मुखातिब हैं और ये अब वहाँ से हेलीपैड की तरफ प्रधानमंत्री अग्रसर होंगे और केदारनाथ धाम के परिसर से इस समय प्रधानमंत्री अग्रसर हो रहे हैं। अजय
जी जी प्रवेश कर रही है जी। कपाट जो है जनसामान्य के लिए खुल चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से हेलीपैड के लिए रवाना हो चुके हैं और घंटा ध्वनि जो आपको सुनाई पड़ रही, जो इस समय आपको मंदिर की घंटा ध्वनि सुनाई पड़ रही है, ये हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय जो ये शिव का महास्त्रोत्र है उसको आप साफ तरीके से लोगों पर यहाँ के अभिषेक को सुन सकते होंगे और देख सकते होंगे। और आम जनता जो कि यहाँ पर कल ही पहुँच गई थी, तकरीबन जनता के श्रद्धालुओं की अगर बात करें, यहाँ पर तीर्थयात्रियों की अगर बात करें, तो तकरीबन 5,000 के आसपास लोग यहाँ कपाट खुलने के पहले ही पहुँच गए थे। तो अब मंदिर का कपाट जो है वो जनसामान्य के लिए, आम श्रद्धालुओं के लिए, तीर्थयात्रियों के लिए खुल चुका है और कोई इसमें किसी तरीके का कोई विघ्न नहीं था। 8:50 पर कपाट खुला था प्रधानमंत्री के आगमन तक, जो क्योंकि 6 महीने तक अजय ये पूरी का पूरा ये स्थान जो है शीतकालीन प्रवास भगवान का कहीं नीचे ऊखी मठ में होता है, तो मंदिर के अंदर की साफ सफाई 8:50 से लेकर तकरीबन 9:15 तक 9:20 तक होती रही और प्रधानमंत्री का आगमन लगभग 9:30 के आसपास हुआ। तो सुरक्षा कारणों से उस समय जनसामान्य का आगमन नहीं हो सका रहा, लेकिन वो पूरी केवल पूजा अर्चना और मंदिर का कपाट खुलना और उसकी साफ सफाई होना और विधिवत उसका श्रृंगार करना, उनका घृत लेपन, चंदन लेपन, अन्य चीज़ों को करने में ही उतना वहाँ पर होना और उसके बाद प्रधानमंत्री का आना रहा। और अब कपाट जो है वो खुल चुका है जनसामान्य के लिए और जनसामान्य यहाँ पर दर्शन करने के लिए मंदिर में प्रवेश कर रही है। तो निश्चित तौर से आप ये मान के चलिए कि ये अद्भुत क्षण होता है तीर्थयात्रियों के लिए जो देश के अलग अलग कोने से आते हैं और देश के अलग अलग कोने से आकर यहाँ पर अपने मनोरथ को पूर्ण करने के लिए आते हैं, क्योंकि औढ़रदानी, अघोरेश्वर, महादेवादिदेव शंकर, महादेव ऐसे ही देवता हैं जिनको औढ़रदानी कहा जाता है, जो सबसे बड़े दानदानी हैं और वो सबके मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले होते हैं। तो निश्चित तौर से ये एक अद्भुत क्षण है, यहाँ पर प्रधानमंत्री का आना भी और रुद्राभिषेक करना और जनसामान्य का अब यहाँ पर तीर्थ यात्रा का शुरू होना। अजय जी जी अजय प्रधानमंत्री जी अजय यहाँ से तकरीबन 200 मीटर के आसपास हेलीपैड है और 300 मीटर के आसपास, और यहाँ से पैदल कुछ दूर तक प्रधानमंत्री, जैसे आपने आते हुए देखा होगा कि वहाँ से वो पैदल आते हैं, उसके बाद एक सेना की जो रेडियो चालित गाड़ी है उससे वो हेलीपैड तक जाएंगे और वो इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हेलीपैड की तरफ रवाना हो चुके हैं और कुछ ही क्षणों में यहाँ से वो हरिद्वार पतंजलि पीठ के लिए रवाना हो जाएंगे जहाँ पर उनका अगला अन्य कार्यक्रम है। अजय जी 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 अजय यहाँ पर हेलीकॉप्टर सेवा है और हेलीकॉप्टर सेवा आज यात्रा शुरू होने के साथ ही शुरू होगी, जनसामान्य के लिए वो सेवा शुरू होगी और ये फाटा एक स्थान है, वहाँ से हेलीकॉप्टर सेवा है। 2-3 स्थान आते हैं, गौरीकुंड से सटे हुए स्थान है, सोनकुंड का एक स्थान है, वहाँ से भी हेलीकॉप्टर सेवा है और गुप्त काशी एक स्थान है जहाँ से वहाँ से ये हेलीकॉप्टर सेवा है और मेरे ख्याल से तकरीबन 3,000 एक तरफ का यहाँ का किराया है और लोगों के, लेकिन मैं अगर उत्साह की बात करूँ, लोगों की अपेक्षाओं की अगर बात करूँ, तो अगर लोग बहुत व्यस्त नहीं हैं तो इतना रमणीक यहाँ का पूरा केदारनाथ घाटी और हिमालय की गोद में बसा हुआ ये धाम है कि लोग खुद ही यहाँ पर चल कर आना चाहते हैं और अपने मनोरथ को पूरा करना चाहते हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर सेवा यहाँ पर है जैसे अन्य तीर्थ स्थानों पर, जैसा आप जिक्र कर रहे हैं वैष्णो देवी धाम और अन्य स्थानों पर है। अजय चलिए शुक्रिया बहुत बहुत आपका अश्विनी इन तमाम दृश्यों को हम तक पहुंचाने के लिए और सीधे जो कमेंट्री करने के लिए। प्रधानमंत्री अब से थोड़ी देर पहले यहां से रवाना हो चुके हैं, जिस तरह से हमने बताया कि 8:30 ये जो कपाट है वो आम जनता के दर्शन के लिए आज पहली बार खोला गया। शीतकालीन का जो अवसान था, अवकाश था, उसके बाद में इससे पहले कल जो ऊखी मठ है वहाँ से भगवान केदारनाथ की यात्रा जो है वो प्रारंभ हुई थी और पारंपरिक
वाद्य यंत्रों के बीच में उनका स्वागत किया गया और एक बार फिर से प्रतिस्थापित किया गया केदारनाथ मठ में। और आज सुबह जब कपाट खोले गए तो प्रधानमंत्री पहले व्यक्ति देश की तरफ से प्रधान सेवक के रूप में आज अपनी रुद्राभिषेक अपनी पूजा के लिए वो देश की तरफ से उपस्थित हुए। और जो शिव जिनको कल्याण का रूप कहा जाता है, जिनको समत्व का रूप कहा जाता है, और जिस तरह से विचारधारा मौजूदा सरकार की कि सबको साथ लेकर के चलना है, सबका साथ और सबका विकास, तो शायद कुछ ऐसी प्रार्थनाएं, कुछ ऐसी आकांक्षाएं, उम्मीदें अपने मन में ले